आज हम इस वीडियो में फॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने फूल्स के बारे में पढ़ा था, ये भी कुछ उसके जैसा ही सिमिलर होता है। बट फूल्स क्या होते हैं, आपके वेव अंड्यूलेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बस ये आपके फ्रैक्चर्स या क्रैक्स या क्रेविसेस होते हैं, ठीक है। अब फॉल्स आपके कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये दो एक रॉक ब्लॉक है, मान लीजिए ये पूरा एक रॉक ब्लॉक है। अब यहाँ पर बीच में फ्रैक्चर या फिर फोल्ड क्रिएट हुआ, यहाँ पर फ्रैक्चर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रॉक ब्लॉक टूटेगा, टूटेगा तो दो पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब दो पीसेस में डिवाइड हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा ना। इस तरीके का बनने के बाद जब एक पीस का मूवमेंट हो, कहीं भी हो सकता है, नीचे ऊपर, बस रॉक जो आपका फ्रैक्चर बना है उसके पैरेलली मूव करेगा, ठीक है। तो व्हेन इट इज़ द फ्रैक्चर, मतलब फॉल्स के बारे में पूरे लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, इट इज़ अ फ्रैक्चर अलोंग विच देयर इज़ एन ऑब्जर्वेबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स, इट डिस्प्लेसिस द रॉक ऑन ईदर साइड ऑफ इट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज रॉक ब्लॉक्स आर इसेंशियली पैरेलल टू द फ्रैक्चर सर्फेस, ठीक है। तो इस पर फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि मूवेबल हों, और ध्यान रखिएगा इस पर मूवेबल होना बहुत कंपलसरी है, बिकॉज अगर मूवेबल नहीं होंगे फ्रैक्चर्स तो वो फॉल्स ना कहला के जॉइंट्स कहलाएंगे। सो देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन अ फॉल्स एंड अ जॉइंट्स। जॉइंट्स आपके कौन से होते हैं, वो फ्रैक्चर्स जो कि मूवेबल होते हैं एंड डिस्प्लेस करते हैं टू रॉक ब्लॉक्स को, ठीक है। लाइक फॉल्स, फॉल्स भी क्या होते हैं, अलग अलग साइजेस में आते हैं, आपके माउंटेन बेल्ट्स पे होते हैं फॉल्स, कॉन्टिनेंट्स पे होते हैं, ओशियंस पे होते हैं, ये सब फॉल्स जो होते हैं वो किसकी वजह से क्रिएट होते हैं, आपके टेक्टोनिक स्ट्रेसेस की वजह से क्रिएट हो सकते हैं, टेंशनल कंप्रेशनल फोर्स की वजह से क्रिएट हो सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से भी क्रिएट हो सकते हैं, या फिर जब आपके सारे फोर्सेस साथ में लग रहे हैं तब भी आपका ये फॉल्ट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। जो मेन बात है वो क्या है कि फॉल्ट इज़ अ फ्रैक्चर अलॉन्ग विच देयर इज़ एन ऑब्जर्वेबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू रॉक ब्लॉक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ फॉल्ट, जैसे हमने एलिमेंट्स पढ़े थे फॉल्ट्स के, अब हम इसमें भी एलिमेंट्स पढ़ लेते थोड़े से। आपको अगर आपने फॉल्ट्स के एलिमेंट्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो यू विल नॉट फाइंड एनी ग्रेट डिफिकल्टी। पहला स्टार्ट करते हैं हम फॉल्ट सरफेस और अ फॉल्ट प्लेन, वो सरफेस जहाँ पर क्रैक या क्रेविसेस अकर कर रही हैं या फिर वहाँ पर जहाँ पर डिसलोकेशन हो रहा है उस सरफेस को फॉल्ट सरफेस कहेंगे। फॉल्ट जोन, वो जोन जहाँ पर बहुत सारे फ्रैक्चर्स या फिर फॉल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उस जोन को फॉल्ट जोन कहेंगे। फॉल्ट लाइन या फॉल्ट ट्रेस, लाइन जो कि फॉर्म हो रही है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉल्ट्स विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो फॉल्ट लाइन आपका क्या हो जाता है, वो लाइन हो जाती है जो आपके फॉल्ट सरफेस के इंटरसेक्शन से बन रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो आती है आपकी स्ट्राइक, ये आपने फॉल्ट्स में भी पढ़ा होगा, है ना। तो स्ट्राइक क्या होता है, इट इज़ अ डायरेक्शन इन विच द फॉल्ट प्लेन एक्ट्स या फिर कट्स हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को जिस डायरेक्शन में फॉल्ट कट करे उसको स्ट्राइक कहेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को जिस डायरेक्शन में एक फॉल्ट या फिर क्रैक कट करे उसको क्या कहेंगे हम, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, स्ट्राइक, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्राइक। नाउ डिप, डिप क्या होता है, इट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द फॉल्ट प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड डिप। अब डिप आपका वो एंगल होता है जिस एंगल पे हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो आपका फॉल्ट प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में आप एंगल बनाएं, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में फॉल्ट प्लेन क्या एंगल बनाएगा, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फॉल्ट आपका कुछ इस तरीके से बना, तो ये एक एंगल क्रिएट हुआ तो ये आपका डिप बन जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द फॉल्ट प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, इट नोन एज डिप। अब ट्रू डिप जो होती है वो वर्टिकल सेक्शन या फिर परपेंडिकुलरली होती है। अब वहीं अब फॉल्ट प्लेन जो है वो एकदम ही वर्टिकली या फिर परपेंडिकुलर हो अर्थ सरफेस के, तो उसको आप ट्रू डिप कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम हेड, ये आपकी थोड़ी नई चीज़ है। हेड क्या होता है, इट इज़ द एंगल मेड बाय द फॉल्ट प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल लाइन। अब ये वो एंगल है जो कि वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में फॉल्ट प्लेन के संग बना रहा है। सो इट इज़ द एंगल मेड बाय द फॉल्ट प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट हैंगिंग वॉल, इफ़ द फॉल्ट प्लेन इज़ नॉट वर्टिकल, रॉक मासेस जो हैं वो आप फॉल्ट प्लेन पे आराम से वैसे बैठे हुए हैं, वो वर्टिकल नहीं है, तो उसको हैंगिंग वॉल कहेंगे। इफ़ द फॉल्ट प्लेन इज़ नॉट वर्टिकल, फॉल्ट प्लेन आपका वर्टिकल ना होने की वजह से क्या है, रॉक मासेस जो हैं वो ऐसे ही आपके फॉल्ट प्लेन पे रेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे हैंगिंग वॉल्स। मूविंग अहेड विद अ फुट वॉल, फुट वॉल क्या होता है, रॉक मासेस रेस्टिंग बिलो द इंक्लाइन फॉल्ट प्लेन,
अब वो रॉक मासेस जो कि अभी ऊपर आपने पढ़ा ना कि वो वर्टिकल ना होने की वजह से रॉक मासेस जो हैं वो नीचे ऐसे रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, अब वही रॉक मासेस जो रेस्टिंग पोजीशन पे हैं या इंक्लाइंड हैं बिफोर बिलो द इंक्लाइंड रॉक सर्फेस उनको फुटवॉल कहेंगे। नेक्स्ट स्लिप, इट रेफर्स टू द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉल्ट प्लेन। अभी मैंने बताया था जब रॉक ब्लॉक्स होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं, अब जितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसको स्लिप कहेंगे, लाइक वो कितना स्लिप हो रही है। नेट स्लिप, जो टोटल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पैरेलली टू द फॉल्ट प्लेन उसको नेट स्लिप कहेंगे। डिप स्लिप क्या होता है, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट और द मूवमेंट पैरेलल टू द डिप ऑफ द फॉल्ट प्लेन। डिप स्लिप आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर वो मूवमेंट होता है जो डिप डायरेक्शन के पैरेलल हो रहा हो, ठीक है ना, वो मूवमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट जो डिप डायरेक्शन के पैरेलल हो रहा हो, और जो फॉल्ट प्लेन के पैरेलल हो रहा हो वो नेट स्लिप या फिर स्लिप होगा, ठीक है। अब यहाँ डिप स्लिप आ गया मतलब जो डिप डायरेक्शन के पैरेलली मूव कर रहा हो। स्ट्राइक स्लिप, अब वो डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्राइक के पैरेलली मूव कर रहा हो उसे स्ट्राइक स्लिप कहेंगे। ऑब्लिक स्लिप, जो कि ना तो पैरेलल हो ना तो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हो, या फिर दूसरे टर्म्स में हम कहें जो ना तो पैरेलल हो स्ट्राइक के ना तो पैरेलल हो डिप के, किसी के भी पैरेलल ना हो उसे ऑब्लिक स्लिप कहेंगे, ठीक है। द नेट स्लिप इज नीदर इंटायरली पैरेलल टू डिप नॉर टू द स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट प्लेन, इट इज नोन एज ऑब्लिक स्लिप। हीव क्या होता है, हीव आपका होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द डिप स्लिप। आपने डिप स्लिप क्रिएट कर दिया, अब डिप स्लिप हमने बताया था ना क्या होता है, आपका वो डायरेक्शन जिसमें पैरेलली मूव कर रहा है स्लिप, जो स्लिप हो रही है वो पैरेलली डिप के डायरेक्शन हो रही है। अब वहीं जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको हीव कहेंगे, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको हम थ्रो कहेंगे। फिर से मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट एकदम डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी, बट आपको फॉल्ट समझने के लिए इन टर्म्स का पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना। मैं आया ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द डिप स्लिप और थ्रो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द डिप स्लिप। विद दिस हमने आज की वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई गई होगी। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।